आने वाले 14 दिन जो हैं वो हमें जो है अब देश के नाम और खुद के नाम और कोरोना के नाम करने पड़ेंगे, सेफ रहना है तो। बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम इस चीज की पहले से ही तैयारी रखें तो हम आने वाले खतरे से और आने वाली प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकते हैं। जैसे दिनेश जैन जी ने कहा कि ये 14 दिन वाकई में वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम क्वारंटाइन डे पीरियड कहते हैं कि 2 वीक्स का क्वारंटाइन पीरियड है। अगर हर व्यक्ति जो भी मतलब जहां पे भी कहीं पे संगठित लोग रह रहे हैं या कोई कम्युनिटी की कहीं पे इकट्ठी हो रही है तो वहां पे इनकी प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे हालांकि गवर्नमेंट की ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुकी है कि कोई भी सेमिनार, कोई भी मीटिंग, कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह सब पोस्टपोन कर दी गई है, फॉर द टाइम बीइंग तो स्थगित कर दी गई है और कैंसिल भी हो रही है। परंतु अगर हम ये चीज अपने घर से, अगेन मैं बारी बारी कह रहा हूं कि ईच एंड एवरी पर्सन काउंट, अगर हम अपने आप में हर चीज को ये प्रिकॉशन लेके चले, मैं अपनी तरफ पे अपने प्रिकॉशन लू, आप अपनी जगह से प्रिकॉशन लें, तो ये पूरा का पूरा हमारा समुदाय सब इकट्ठा प्रिकॉशन ले पाएगा। अगर हम ये, क्योंकि जब आती बात कहने के सिर्फ कहा जाए, गवर्नमेंट के थ्रू कहा जाए, सिर्फ तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस स्थिति में यह है कि हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। और जैसे अभी दिनेश जैन जी ने बताया कि लाइक आई मीन वहां पे जब देखते हैं अगर इतने लोग, हजारों लोग हैं तो वहां पे चांसेस उसकी इन्फेक्शन ब्रेक होने के हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे अवेयरनेस, जिन्हें बारी बारी कह रहे हैं हम, जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों को उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ये चीज आई मीन जैसे हम बता रहे हैं कि आई मीन जनरल प्रिकॉशन और दवाई का भी, जैसे हमने पहले डिस्कस करा है डॉक्टर बी एन सिंह ने भी कि आर्सेनिक एल्बम, मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूंगा ये ले सकते हैं पर इनको भी आप किसी डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप ना लें। और ये कंटिन्यूस लेते रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ ये होता है कि अगर जिसको वो लगता है कि चलो नुकसान नहीं करी तो फायदा ही लेगी ना, तो आप लेते जाओ। तो मैं यहाँ पे ये सचेत करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉशन पीपल कि प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपने लिए तो गो टू योर नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर, अंडर हिज एडवाइस यू शुड टेक द मेडिसिन। और कई बार ये भी हो सकता है कि आपको उसके अलावा कुछ और मेडिसिन की जरूरत भी हो सकती है, क्योंकि आपके अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो उस आधार पे आप अपने आपको अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, तो वो उस हिसाब से आपको दवाई अप्रोप्रिएट दवाई दे पाएगा। क्योंकि होम्योपैथी का प्रिंसिपल डॉक्टर ना बने, हाँ खुद डॉक्टर ना बने, मतलब सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि होम्योपैथी में वैसे भी जो कायदम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर जहां पे बात जीनस एपिडेमिक की आती है या प्रोफाइलेक्टिक की आती है, उनपे सिर्फ ये होता है कि जो स्टडी की जाती है कि व्हाट आर द सिम्टम्स प्रिवेलिंग, उस आधार पे क्या दवाई हो सकती है। तो ये दवाई है जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वी डेफिनेटली विल बी आई मीन मच सेफर देन अदर पीपल। बिल्कुल सर, हुज इम्यूनिटी इज लो और कॉम्प्रोमाइज्ड। डॉक्टर प्रोफेसर बी एन सिंह आपके पास आऊंगा, जिस प्रकार के आंकड़े